वेलकम बैक अली हजारा वे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज शाम का टाइम है जब मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस टाइम मिला तो मैंने कहा चलो मैं इस टाइम ही बना लूँ। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ शाम की, रात की यानी कि। तो आज हम लोग जी सोच रहे हैं कि आज हम लोग बना लें टिक्की हैं दाल और चिकन की, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। दाल मैंने जो सी है, दाल और चिकन वो उबालने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पे, और पंखा भी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और मेरा जो सा माइक आया है वो कनेक्ट नहीं हो रहा फोन से, तो इस वजह से ना पंखे का शोर काफ़ी ज़्यादा आता है वीडियो में, तो इसलिए ना मैंने पंखा फिलहाल बंद किया है। मैंने कहा मैं अपनी थोड़ी सी सलाम दुआ कर लूँ तो दो मिनट के लिए पंखा बंद कर दूँ, तो इसलिए पंखा बंद किया है, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, दाल मैंने रखी हुई है उबालने के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने चिकन और वो चने की दाल जो सी है वो उबाल ली है, तो अभी इनको इसको यानी कि निकाल के पानी इसका, तो इसको मैं इस कुंडी सोटे में पीस लूँगी, तो उसके बाद बनाएंगे जी टिक्कियाँ। आप लोग हमारा व्लॉग देखते रहें, स्किप ना करें। तो जी अभी मैं निकालने लगी हूँ पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा सा ज़्यादा गल गया था मुझसे, इस वजह से निकालने की ज़रूरत है, काफ़ी गर्म है। तो जिसका पानी थोड़ा सा निकल जाए तो फिर इसको मैं पीस लूँगी दाल को। चिकन भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाए, क्योंकि गैस हमारी जो सी है उसका पता नहीं चलता। ये देखिए इतनी आ रही है गैस, जा चुकी है अभी, तो अब लाइट जाएगी तो फिर आएगी थोड़ी सी गैस, तो फिर मैं टिक्कियाँ जो सी हैं वो फ्राई कर लूँगी, जब लाइट जाएगी तब करूँगी फ्राई, क्योंकि आपके सामने अभी गैस, इस वजह से। तो अभी मैं इसको पीसने की तैयारी करूंगी। तो जी अभी मैं पीस रही हूँ दाल को और चिकन, बाकी बच्चे जो उनसे हैं वो गेम हैं जी सपारे के लिए, क्योंकि शाम हो गई है और गली में आया हुआ आइसक्रीम वाला, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। इस टाइम मेरे पास सिर्फ अलीहा है, ये खड़ी है मैडम, इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ये फटी हुई बनान पड़ी थी, मैंने इसको फिर यही बना दी, मैंने कहा चलो बेचारी को गर्मी लग रही, देख रही है कि फटी हुई है। आज टिक्कियाँ खाने को दिल कर रहा था तो हमने कहा चलो आज बना ही लें। ओहो ना कर लिया अली, ना मेरा बेटा नहीं है ना का, ना छोड़। ये लिया जी मुझे तंग कर रही है, कह रही कि मैंने पीसना, मैं कह रही हूँ ना बुरी बात, जा देख भाई की तरह। सनैन साहब आता जी मदरसे से तो वो इस टाइम गली में खेलता है, फिर अंदर आएगा तो वो कार्टून देखने लग जाएगा, बैठ जाएगा टैबलेट पकड़ के, नहीं आ रहा। तो चलो जी ये तो हो गई है, पिस गई है, तो इसको मैं निकाल लूँ। ये मुझसे गलती हो गई, थोड़ी थोड़ी करके डालनी थी दाल और मैंने इतनी ज़्यादा डाल दी, इसलिए ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। डंडा की तरफ रखो, काम डाल के वो पीसनी थी, फिर सही पीस जानी थी, इसमें हैं थोड़े से दाने लेकिन गुजारा हो जाएगा। ये देखे ये देखे बीज में दाने पड़े हैं ना दाल के, ये ना हल्की सी कच्ची भी थी तो मैंने खुद ही कच्ची कच्ची उतार ली थी, मैंने कहा ज़्यादा पक जाएगी तो फिर ठीक नहीं रहेगी, थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए क्योंकि फ्राई भी होनी है, तो इसीलिए आप पीस ली है। तो जी ऐसे ही ये भी पीस लूँ मैं,
फिर दिखाती हूँ आपको। शर्म शर्म लिहा शर्म। ये गली में गाने चले हुए जी, मैं बारिश का मौसम दिखाने आई आप लोगों को। ये देखे कितना प्यारा ठंडा हुआ हुआ। शाम हो गई है तो बच्चियां दूसरी चली गई सपारा पढ़ने दोनों। ये मैडम के काम देखे, चल अंदर चल आ जा अंदर, अलीहा आ जा। चला जा चला जा अंदर आ जा, बुरी बात आ जा चला जा। वो बाइक आ रही, गाड़ी वाले आ जाएंगे तुझे खा जाएंगे लिहा। वो गाड़ी आ रही है, जल्दी आ, गाड़ी खा जाएगी तुझे, जल्दी आ। हाँ जल्दी आ। तो ये जी मैंने आप डाल लिया सारा मसाला, वैसे तो काली मिर्चें डाली है लेकिन काली मिर्च मुझे ज़रा सी कम लग रही थी इसीलिए बस हल्की सी मैंने लाल मिर्चें डाली है। नमक मिर्च वगैरह वो सब पिसा हुआ, धनिया सूखा वो भी डाल लिया है। तो अभी इसको करूँगी मैं मिक्स, लेकिन चम्मच से नहीं होएगा मिक्स ये, क्योंकि हार्ड है, सख्त है इस वजह से। तो इसके लिए मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, फिर से दोबारा साबुन से धोऊंगी हाथ और फिर हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर टिक्कियाँ बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बार बार टूट रही थी, बहुत मुश्किल से बनाई हैं मैंने। तो अभी इनको करूंगी जी मैं फ्राई। तो जी टिक्कियाँ मैं बना आई हूँ, वहाँ भी गर्मी जहाँ बैठी हूँ और कमरे में भी आते साथ फिर मैंने पंखा बंद कर दिया है। ये देखें पंखा जी बिल्कुल बंद किया हुआ मैंने। तो अभी मैं सोच रही हूँ काश आए तो फिर मैं फ्राई करूँ, क्योंकि फिर गर्म गर्म होंगी तो मजे की लगेंगी, वरना तो ठंडी हो जाएंगी। वो अभी तक आए नहीं है तो पता नहीं कब आए, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ आए तो फिर फ्राई करूँ। ना लिहा ना, ये लिहा जी दरवाजा खटका रही है, अपने पापा को आवाजें दे रही है। वो समझ रही है कि बाहर खड़े हैं लेकिन वो तो है नहीं, वो काम पे गए हुए हैं। तो वो आने वाले हैं, अब देखो पता नहीं कब आए। तो मैं सोच रही हूँ जब आए तभी मैं फ्राई करूँ। मैं सोच रही हूँ चलो वो आएंगे तो तभी जो फ्राई होंगी होंगी वो टिक्कियाँ, तो उससे पहले मैं चटनी बना के रख लूँ। लिहा ना कर, गिर जाएगी। तो चटनी फिलहाल मैं बना के रख लेती हूँ उनके आने तक, तो जैसे भी आएंगे फिर गरम गरम फ्राई करके खाएंगे खाना। तो आप लोग भी देखना कैसी बनेगी आज। तो जी वो पुदीना हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह मैंने पीस के ना इस डब्बे में डाल दिया है, और ये दही भी मंगवा के डाल दिया। मैं इसको कर रही हूँ जी मिक्स, और टिक्कियाँ जो सी वो इधर मैंने ढक के रख दी रुमाल के साथ। चलो जी चटनी भी होगी तैयार, अब जैसे विकास आप आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे टिक्कियाँ फ्राई करके। तो जी अब विकास आ गए हैं तो मैं करने लगी हूँ टिक्कियाँ फ्राई। तो अंडे निकाल लिए मैंने कटोरी में, तो इनको फेंट के ना इसके साथ यानी कि टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। और इधर घी रखा हुआ है जी तवे पे गर्म होने के लिए, तो ये गर्म हो रहा है तो फिर मैं टिक्कियाँ करूँगी फ्राई। गैस आ गई थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना ही लूँ। तो जी टिक्कियाँ मैंने अब डाल दी हैं तवे पे फ्राई होने के लिए, तो ये हो रही हैं जी अभी फ्राई। पहले मैं भूल गई थी कि मैं समझ रही थी शायद वीडियो बंद ही है, लेकिन नहीं बंद रही थी, टिक्कियाँ डालनी थी तो इस वजह से गड़बड़ हो गई है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया। इधर चलो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, तो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसी बनी है। उम्मीद तो है कि अच्छी बनी होगी, बहुत मज़े की। जी ये हो गई हैं फ्राई, इनको ज़रा साइड पे कर दूँ, बाद में उतारूँगी ताकि इनका थोड़ा सा
घी जो है वो निकल जाए। पहले भी ऐसे मैंने फ्राई करने के लिए जब टिक्कियाँ डाली तो मैं समझ रही थी शायद वीडियो मैंने ऑन कर दिया, लेकिन नहीं की थी, भूल गई थी। तो वो बाद में जब मैंने टिक्कियाँ डाल दी फिर मैंने देखा, मैंने कहा है ये क्या, देखा तो वो बनी नहीं थी। तो आप दूसरी जो उनसे पक गई हैं उनको डालूंगी इससे पहले कि वो जल जाए। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आया। तो ये बाकी हैं, इसके नीचे पेज मैंने इसलिए रखे हैं ताकि जो सा हल्का सा घी भी है ना तो वो भी खुशक हो जाए इसके साथ। इधर भी हो रही हैं जो फ्राई। इस बार मैंने तीन इसलिए डाली क्योंकि जगह नहीं थी, तो वह कम हो गई थी जगह, वो दूसरी टिक्कियाँ पड़ी हुई थी साइडों पर, तो इस वजह से ना मैंने फिर तीन ही डाली है। मैंने तो चलो ये तीन ही पक दें क्योंकि घी भी हो गया है कम, ये तीन उतारूंगी ना फिर और घी डालूंगी वो गर्म होगा फिर दूसरी डालूंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना किचन में, बहुत ज़्यादा बैठा नहीं जाता, दिल करता गर्मियों में तो बंदा कुछ खाए ही ना जितनी गर्मी होती है। तो जी अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना, रोटी जो से ही है वो घास लेके आए हैं तो दूर से, और टिक्की मैंने बना ली है, चटनी वगैरह सारी तैयारी हमने खाने की कर ली है। अब हम लोग खाने लगे हैं जी खाना, और जिसने खाना खाना सो बिस्मिल्लाह आज हमारे साथ खाना खा ले। तो अभी हमें तो लगी है भूख, तो अभी हम लोग टिक्की चेक करके पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी है। मज़े की बन गया है, आगे मुंह से पानी आ रहा है अभी। अच्छा जी खाना हमने खा लिया है, बर्तन जो से थे खाने वाले वो भी मैंने धो लिए हैं, और आज के ब्लॉग का करते एंड क्योंकि 10 बज गए हैं तो बच्चों को भी सिलाना है, तो इसी वजह से आज के ब्लॉग का करते एंड। अगले एक न्यू और फ्रेश ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।